उत्तर प्रदेश में हो रहे हाहाकार, अनाचार, हत्या, डकैती, गुंडई, कब्जे और संगठित अपराध, उसको लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में उत्तर प्रदेश अब अपराध प्रदेश बन गया है। श्री आदित्यनाथ बनाम अजय सिंह बिष्ट जी की सरकार अब केवल प्रदेश में हो रही हत्याएं, अबोध बेटियों और बच्चियों से बलात्कार, गुंडागर्दी, डकैती, चोरी, कब्जे, संगठित अपराध और सब कुछ सरकार के संरक्षण में उसके लिए जानी जाती है। उत्तर प्रदेश में लगता है कि संविधान और कानून का नहीं, अपराध का शासन है। जिस प्रकार से 17 जुलाई 2019 को मूर्तिया गांव सोनभद्र में 3 महिलाओं सहित 10 आदिवासी परिवारों के लोगों की दिन दहाड़े 200 व्यक्तियों द्वारा बंदूकें, भाले, लाठियां लेकर जिस प्रकार से उन्होंने आक्रमण कर 10 आदिवासियों की हत्या की, 28 को चोटें पहुंचाई, ये दिखाता है कि संगठित अपराध आदित्यनाथ जी उर्फ अजय सिंह बिष्ट जी की नाक के तले उनकी इशारे से पनप रहा है। और आज जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी उन आदिवासी परिवारों के जिन्होंने 10-10 परिवारजन खोए उस दुर्दांत आतंकी हमले में, उनके आंसू पोंछने के लिए गई थी, तो बजाय अपराधियों को सजा देने के आदित्यनाथ सरकार ने अपनी क्रूरता और अपराध का संरक्षण का परिचय देते हुए कांग्रेस की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार कर रखा है। दोस्तों, इस देश के नागरिक जानना चाहते हैं, क्या अपराध से पीड़ित लोगों के आंसू पहुंचना अब इस देश में अपराध है? क्या 3 लोगों के साथ चौथी श्रीमती प्रियंका गांधी स्वयं उनके साथ कानून की अनुपालना में धारा 144 का उल्लंघन किए बगैर उन परिवारों के पास जाकर मिलना अब अपराध बन गया है? क्या गुंडागर्दी, दबंगई, गुंडई, जमीनों पर कब्जे और संगठित अपराध, उनका बोलबाला चलेगा या उत्तर प्रदेश में कानून का शासन चलेगा? क्या उत्तर प्रदेश में अब विपक्ष के नेताओं के जाने पर पाबंदी है, क्योंकि सब मौलिक अधिकार उत्तर प्रदेश से अब खारिज किए जा चुके हैं? क्या उत्तर प्रदेश में अपराधियों को सजा देने की बजाय विपक्ष के नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे रखा जाएगा ताकि कोई जनता की आवाज ना उठाई जा सके? श्रीमती प्रियंका गांधी जी आज मुजफ्फरपुर से केवल सोनभद्र जाना चाहती थी। कोई पाबंदी, किसी कानून का उल्लंघन नहीं। धारा 144 भी है तो 5 लोगों से ज्यादा हो तो धारा 144 का उल्लंघन होगा। उन्होंने स्वयं संवेदनशील रवैया दिखाते हुए कहा कि मैं केवल 3 लोगों को अपने साथ लेकर जाऊंगी। उसके बावजूद भी पुलिस के अधिकारी कहते हैं हमें ऊपर से आदेश आया है, वो आदेश अमित शाह जी का है, नरेंद्र मोदी जी का है, आदित्यनाथ जी का है। वो किसका आदेश है? वो आदेश कानून और संविधान का है
या उन लोगों का है जो सत्ता के नशे में भाजपा की सरकार चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और विपक्ष के नेताओं को गरीबों के, आदिवासियों के, पीड़ितों के, जिन्होंने परिवार के 10-10 जन खोए हैं, उनके आंसू पहुंचने के लिए जाने नहीं देना चाहते? क्या इस प्रकार की सरकार को और मुख्यमंत्री को, जहां ना किसी कानून का उल्लंघन हो रहा, ना धारा 144 का उल्लंघन हो रहा, ना किसी प्रकार का वहां जलसा जलूस कांग्रेस पार्टी के साथी कर रहे श्रीमती प्रियंका गांधी कर रही, तो फिर किस कारण से आज सुबह से अब तक उन्हें चुनार गेस्ट हाउस के अंदर नजर बंद कर पुलिस की कस्टडी के अंदर रखा गया है? क्या मानवीय और मौलिक अधिकारों का इस प्रकार से उल्लंघन होगा? क्योंकि आदित्यनाथ जी और मोदी जी की सरकार है और अमित शाह जी अब देश के गृह मंत्री बन गए हैं। दोस्तों, सच्चाई ये है कि जब से माननीय आदित्यनाथ जी उर्फ अजय सिंह बिश्ची मुख्यमंत्री बने हैं और भाजपा की सरकार बनी है, आए दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दबंगई, गुंडई, हत्या, बलात्कार, उसकी अनेकों घटना हो चुकी है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश की पुलिस भी भाजपाई गुंडों से सुरक्षित नहीं। हमने देखा था किस प्रकार से सरकार के गठन के साथ ही भाजपा के गुंडों ने सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस लव कुमार के घर पर उनके बूढ़े मां बाप और धर्म पत्नी और बच्चे जहां मौजूद थे हमला बोला था। पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से गुंडों के द्वारा इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की दिन दहाड़े उत्तर प्रदेश में हत्या हुई थी। गुंडों ने यह देखा कि किस प्रकार से सरकार का कोई शासन बचा नहीं, इसलिए गुंडों ने एक एसडीएम की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी शामिल थे, उनका दिन दहाड़े अपमान किया था। टेलीविजन चैनल्स ने बाकायदा उसका वीडियो दिखाया था। सेनगर नाम के विधायक जो सगे हैं श्री आदित्यनाथ जी के लगते, ऐसा प्रतीत होता है, वो तो अब जोर जबरदस्ती के प्रतिबिंब बन गए हैं पूरे देश के अंदर। जब जेल में यूपी में पिस्तौलें लहराई जाती हैं तो भाजपा की सरकार कहती है कि ये मिट्टी के तमचे हैं। हाल में हमने ये भी देखा कि बीजेपी विधायक देवेंद्र राजपूत जी के बेटे यशवीर राजपूत ने किस प्रकार से सोरों पुलिस चौकी के इंचार्ज को तो वहां खाट पर ही बांध दिया और घसीट कर ले जाने तक का प्रयास किया। बदायूं रेप केस आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। बार काउंसिल की उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष दरवेश यादव जी की किस प्रकार से दिन दहाड़े हत्या हुई, यह पूरे देश ने देखा। और अलीगढ़ में तो एक महिला बीडीसी अधिकारी को जिंदा जला दिया, बरेली में महिला होमगार्ड को ही जिंदा जला दिया, मुजफ्फरनगर जो दो बहनों के साथ, बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, उसने पूरे देश की आत्मा को छलनी कर दिया। उत्तर प्रदेश में आए दिन सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में अपराध होते हैं और आदित्यनाथ जी आप तुगलक की तरह कान के नीचे उंगली रखकर आप बैठे हैं, आप सोच भी नहीं रहे। ये देखिए उत्तर प्रदेश की कहानी। 18 जुलाई 2019 को उत्तर प्रदेश से ही जो सांसद हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी, उन्होंने संसद के पटल पर यह जवाब दिया। मैं आपको इसकी एक प्रतिलिपि भेज रहा हूं। और उन्होंने बताया कि 10,531, दोबारा नोट करिए, 10,531 बलात्कार या बलात्कार की कोशिश की घटनाओं में से 6,987 यानी लगभग 7,000 अकेले उत्तर प्रदेश में होती हैं। यानी कुल बलात्कार और बलात्कार की कोशिश की घटनाओं में 67% अकेले उत्तर प्रदेश में है। यह मैं नहीं कह रहा, यह उत्तर प्रदेश की सांसद जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी जी ने ये 19 जुलाई को ये बाकायदा जवाब लिखकर देश की संसद में पेश किया है। आदित्यनाथ जी, अपराधियों को पकड़िए। श्रीमती प्रियंका गांधी जी
और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नहीं जो 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 उन पीड़ितों को शांत बना देने गए। और श्रीमती प्रियंका गांधी ने ये कहा है, जहां वो चुनार गेस्ट हाउस में पुलिस की कस्टडी में नजरबंद हैं, कि सोनभद्र में वो बड़े शांतिप्रिय तरीके से चार लोगों के साथ, जिनमें वो स्वयं चौथी होंगी, चार कांग्रेस के साथियों के साथ स्वयं उनके, वो केवल उस परिवार के आंसू पहुंचने जाना चाहती हैं, और जब तक सरकार इजाजत नहीं देगी वो वहीं रहेंगी। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर इस प्रकार से विपक्ष के नेताओं को जबरन गिरफ्तारी पर भारी बेचैनी है, पीड़ा है, आवेश है, उत्तेजना है, और गरीबों को, आदिवासियों को, पीड़ितों को उत्तर प्रदेश में न्याय नाम की कोई चीज नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब अपराध प्रदेश बन गया है। कानून का शासन नहीं, उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी का शासन भी नहीं, उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों का शासन चल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। क्या ऐसी सरकार को नैतिक आधार पर एक दिन भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? ये प्रश्न हम उनके विवेक पर छोड़कर उनसे पूछना चाहते हैं।